सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्केयर ऑफ ऑपोजिशंस के बारे में। दोस्तों यहां से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो टॉपिक है काफ़ी दोस्तों को काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन दोस्तों अगर हम ध्यान से करें तो ये बहुत ही आसान है, इसे हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम बिल्कुल आसानी से सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं स्केयर ऑफ ऑपोजिशंस के बारे में। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हम आपको 10 यूनिट पीडीएफ स्टडी नोट्स दे रहे हैं। इसके अलावा 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर पीडीएफ दे रहे हैं और इसके साथ साथ 10 यूनिट ऑल थ्योरेटिकल वीडियोस दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों हम आपको जून 2012 में 10 शिफ्ट के टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर क्वेश्चन भी दे रहे हैं। अगर किसी दोस्त को ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए, नंबर हमने नीचे दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हमें स्केयर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर चार डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए तभी हम आगे समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है हमारे पास है यूनिवर्सल पॉजिटिव की आती है। यूनिवर्सल पॉजिटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास जो भी चीज़ होती है उन्हें हम उन सभी की सभी चीज़ों को हम पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमने मान लिया कि सारी की सारी बॉल जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है। अगली जो आती है दोस्तों वो आती है हमारे पास यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि ये इसके अंदर सभी की सभी चीज़ों को हम नेगेटिव मान लेते हैं, जैसे कि नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है। आगे आता है दोस्तों यूनिवर्सल पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम कुछ चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से मानते हैं, जैसे कि सम बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ चीज़ों को हम वीक यानी कि नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम बॉल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव क्या होता है। दोस्तों ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पर हमारे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस बेस पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से ये हमें टॉपिक करना है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आता है कंट्राडिक्टरीज। कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर हिंदी में हम लेके चले तो इसके अंदर होता है एक दूसरे के विरोधी, विरोधाभास होता है इनके अंदर। देखिए विरोधाभास किन किन चीज़ों के अंदर होता है, एक तो ये होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे एरो दिखाई गई है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के अंदर, ये हम देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये देखिए इसमें हमने पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए एक ये लड़का है, ये कह रहा कि ऑल बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये कह रहा कि सारी की सारी बॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और ये लड़की है, ये कह रही है कि सम बॉल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं इन दोनों की जो बात है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या तो ये सही होगा और या फिर ये सही होगा। तो इनके अंदर हम क्या है कि ये विरोध कर रहे हैं, ये हमें लड़ाई करवा रहे हैं कि ये कह रहा है कि मैं सही हूँ और ये कह रहा है कि मैं सही हूँ। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है दोस्तों, विरोधाभास होता है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है ये चीज़ें, ठीक है। और इसी तरह से हम इसके अंदर देखते हैं ई और आई के अंदर। ई क्या होता है, ई हमने बताया था कि यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। इसके अंदर ये लड़का कह रहा है, ब्लैक लड़का ये कह रहा है कि नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जबकि ये जो औरत है ये कह रही है कि सम बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये कह रही है कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहां भी हम देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों एक दूसरे की बातों का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमें समझना है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कंट्राडिक्टरीज के अंदर ये होता है कि एक सही है तो दूसरा गलत होगा। ये हमने देख लिया दोस्तों कि अगर ए सही है तो ओ जो है वो गलत होगा, अगर ई सही है तो आई गलत होगा। तो इस तरह से ये होता है। अगला क्या है, अगर एक गलत है तो दूसरा सही है। ये दोनों, ये वही बात आ गई, एक सही है तो दूसरा गलत है, और दोनों एक साथ सही या गलत नहीं हो सकते। ये बात भी सही है दोस्तों कि दोनों एक साथ या ना ही तो वो सही हो सकते और ना ही गलत हो सकते। दोस्तों आप इस ये जो पिक्चर मैंने दी है यहाँ पे, इसको अच्छे से देखना और ये जो बातें हैं यहाँ पे ये लिखी हुई है इनको पढ़ना, आप बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है ये जो मैंने दिखा रखी है वीडियो में, तो ये ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
और देखते हैं दोस्तों और इसके अंदर क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अंदर यदि एक अनडिटरमाइन है यानी कि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है एक का, तो दूसरी भी अनडिटरमाइन होगी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमें नहीं पता कि सभी की सभी बॉल स्ट्रॉन्ग है या अनस्ट्रॉन्ग है, किस तरह से हमें नहीं पता तो हम ओ का आंसर नहीं निकाल सकते। इसी तरह से अगर हमें ई नहीं पता है तो हम आई का आंसर भी नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से दोस्तों अगर एक अनडिटरमाइन होगी तो दूसरी भी अनडिटरमाइन ही होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं और इस पे किस तरह के क्वेश्चन बने हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। अगला आता है दोस्त, अब आगे हमारे पास आता है दोस्तों सब अल्टर्न। सब अल्टर्न के अंदर क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, नंबर वन पॉइंट, ए सही है तो आई सही होगी, लेकिन आई सही है तो जरूरी नहीं कि ए सही होगी। ये देखिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए ये हम बात मान के चलते हैं कि ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, ये बात हमने मान ली, ये बात ट्रू है। तो अगर ये बात ट्रू है तो इसका जो अपोजिट दूसरी क्या चीज होगी, सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग, ये बात भी सही होगी। यानी कि ये भी सही होगी और ये भी सही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर ए सही है, यानी कि देखिए ए सही है तो क्या होगा, आई भी सही होगी। यानी कि सभी के सभी बॉल स्ट्रॉन्ग है तो उसमें से कुछ बॉल भी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी। ये तो दोस्तों बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है, बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं आगे क्या है। और इसी तरह से दोस्तों इसके अंदर ई और ओ के अंदर आता है, इसके अंदर रिलेशन ये देखते हैं। ये दोस्तों ये गलत लिखा हुआ, ये नहीं है। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, ई नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इसने कह दिया कि कोई बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका जो ओ है ये आ सकता है दोस्तों कि सम बॉल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये हम कह सकते हैं कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। और इसके अंदर देखते हैं कि और क्या है, ई सही है तो ओ के सही होने का संदेह है, लेकिन ओ सही है तो जरूरी नहीं कि ई सही होगा। अब देखिए दोस्तों एक बात तो हमने समझ ली कि ई सही है तो ओ सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सही हो ही हो। अब देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम होने वाली संभावना देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। देखिए नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरा इसका मतलब क्या निकल रहा है दोस्तों कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, जो ई है वो गलत हो गया। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, ई सही है तो ओ के सही होने का संदेह है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी, इसके होने का संदेह है, ओ सही होगी इसका संदेह है। हम पूरे डेफिनेट रूप से नहीं कह सकते कि ये सही होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर हम बिल्कुल सही तरीके से कह सकते थे कि ये अगर ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग है तो सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग होगी। और देखते हैं दोस्तों और इसके अंदर क्या होता है, ये तो हो गया हमारा ट्रूथ डाउनवर्ड हो गया। ये देखिए ट्रूथ डाउनवर्ड और फॉल्स अपवर्ड की भी बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है। अब ये देखिए इसके अंदर ये देखिए अगर ये कह देता कि सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग, ये बात इसकी गलत निकल जाती है, सम बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये बात गलत निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ऊपर वाली बात है ये भी बिल्कुल सही होगी, यानी कि सारी की सारी बॉल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों कि अगर ये बात गलत निकल जाती है सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ कि सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग ये गलत है, ये मान के चलते हैं, तो इसका जो अपोजिट क्या होगा कि सभी के सभी बॉल है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक है थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, ये आपके समझ में शायद ना आ सके, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करोगे तो ये आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो पिक्चर मैंने दी है यहाँ पे, इसे आप देखने की कोशिश करना, यहाँ पे आप वीडियो रोक सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पिक्चर है ये भी आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर थ्री पे कंट्रेरीज। कंट्रेरीज इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, और इसे हम कंट्रेरी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर होता है ए और ई का रिलेशन हम देखते हैं, ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, इन दोनों का रिलेशन देखते हैं क्या होता है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती लेकिन दोनों के कुछ टाइम के लिए गलत होने की संभावना हो सकती है। देखिए इसे हम किस तरह से समझेंगे कि एक जो लड़का है वो कह रहा कि ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, दूसरा लड़का कह रहा कि नो बॉल आर स्ट्रॉन्ग, दोस्तों ये तो बिल्कुल ही अपोजिट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि
हम यहाँ पे अगर आंसर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा रिजल्ट, या तो ये बंदा सही होगा और या फिर ये बंदा सही होगा, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं भाई, या तो ऊपर वाला बंदा सही होगा और नीचे वाला गलत होगा, ठीक है, या फिर ऊपर वाला गलत होगा और नीचे वाला सही होगा, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। यानी कि एक बंदा कह रहा है कि सारी की सारी बॉल स्ट्रोंग है, दूसरा बंदा कह रहा है कि कोई भी बॉल स्ट्रोंग नहीं है, तो दोनों की दोनों जो बात है वो हम मान नहीं सकते, इनमें से एक की बात हमें माननी पड़ेगी और एक की बात है वो हमें रिजेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इसके कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ से भी आप ये पढ़ सकते हैं कि तीनों के तीनों जो बातें इसने जो ये लिखी है, ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही मैंने तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे आपको समझा दिए, आप समझने की कोशिश करना। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताना, हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। अब आगे आता है दोस्तों हमारे पास नंबर फोर पे सब कंट्रेरीज। सब कंट्रेरीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम रिलेशन लेते हैं आई और ओ का, या आई किसे कहते हैं सम बोल आर स्ट्रॉन्ग और ओ किसे कहते हैं सम बोल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या संभावना होती है, क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर कहा है, आई और ओ दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते लेकिन सही हो सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है कि एक जो लड़की है ये कह रही है कि सम बोल आर स्ट्रॉन्ग, दूसरी कह रही है कि सम बोल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बात एक साथ सही हो सकती है। अब देखिए इसने कह दिया, मान के चलते हैं कि सम बोल आर स्ट्रॉन्ग, इसने कह दिया कि कुछ बोल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो दूसरा इसका आंसर क्या निकल गया कि कुछ बोल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसका ऑटोमेटिक आंसर निकल रहा है और बात भी बिल्कुल सही बैठ रही है कि कुछ बोल स्ट्रॉन्ग होती है कुछ बोल स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों की दोनों एक साथ सही हो सकती है लेकिन दोनों की दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती। यहाँ से आप इस बात को समझने की कोशिश करना, आपके ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये चार तरह की बातें होती हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस के बारे में, और अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये पता नहीं कब आया था, पेपर में देखना पड़ेगा। ये देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है, यानी कि वो क्या करती है, विरोध करती है, एक दूसरे का विरोध करती है, तो उन उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ टू प्रपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म आर सच दैट वन इज डिनेल ऑफ द अदर, यानी कि एक जो डेफिनेशन है दूसरे का विरोधाभास कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों वहां पे क्या होगा, कंट्राडिक्टरीज होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, ये देखिए हमने कंट्राडिक्टरीज का किया था, सबसे पहला किया था कि ए अगर सही है तो जो ओ होगा वो गलत होगा, यानी कि ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके अंदर क्या है, यदि दो प्रतिगवितियाँ में से दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती परंतु दोनों एक साथ सही हो सकती है तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या है। दोस्तों अभी हमने किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, आई और ओ के बीच में संबंध, ये क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती, ये देखिए कि दो डेफिनेशन है वो एक साथ गलत नहीं हो सकती लेकिन सही हो सकती है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये हमने किया था आई और ओ का जो रिलेशन किया था, यानी कि सम बोल आर स्ट्रॉन्ग हो सकती है और सम बोल आर नॉट स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सब कंट्रेरी, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, आगे किस तरह का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसने कहा है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, तो हम सबसे पहले हमें थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये ए है, ई है, आई है या फिर ओ है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये देखिए यह है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते तो किसे हम क्या कहते हैं, हम ओ होता है वो, सम बोल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलरली नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव होता है, तो पर्टिकुलर नेगेटिव का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, ऑल बोल आर स्ट्रॉन्ग। तो इसका यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते तो ये क्या हो गया हमारा,
ओ हो गया, पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। और पर्टिकुलर नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है कि सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसके इसे समझने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह का क्वेश्चन है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के विरोधी है, सही कूट चयन कीजिए जो सही उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये भी वही है कंट्राडिक्टरीज के अंदर से क्वेश्चन है कि जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि एक दूसरे का विरोध कौन कौन से करते हैं। हमने अभी पढ़ा था ए और ओ विरोध करते हैं और ई और आई विरोध करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते देख भी सकते हैं, ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है एक दूसरे का जो विरोध करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि ए और ओ कौन से हैं और ई और आई कौन से हैं। अब देखते हैं इसके अंदर, जैसे इसने आंसर दिया ए और सी, ए और सी देखते हैं कि सभी व्यक्ति सभी कवि दार्शनिक होते, ये क्या हो गया दोस्तों हमारा ए हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं सी, कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते, कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते, ये क्या हो गया दोस्तों हमारा ओ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्राफ के अंदर क्या होता है, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं ए और जो ओ है वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा ए और सी का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों आपने काफी क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, तो इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं और उनमें करने में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसानी से बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से और 10 सेकंड के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखना ध्यान। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है दोस्तों, ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जिसके अंदर सभी चीज़ें सत्य मानी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारे पास यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो चीज़ें उनको हम गलत मान के चलते हैं, झूठ मान के चलते हैं, यानी कि नेगेटिव तरीके से लेके चलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं और उसे डिनोट करते हैं ई से। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास पर्टिकुलर पॉजिटिव। अब देखिए पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर क्या होता है कि कुछ जो समान होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो सही होती है और कुछ गलत होती है, तो इसके अंदर क्या होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर कुछ चीज़ों को हम सही मानते हैं और पर्टिकुलर नेगेटिव के अंदर कुछ चीज़ों को हम गलत मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सम वोल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव के अंदर कुछ को गलत और पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर कुछ को सही मानते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान से रखना, याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी, इन्हीं की बेस पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। और उसके बाद में दोस्तों एक और जो कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है, 4 स्टेप है इसके अंदर, वो याद रखने जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे पास कंट्राडिक्टरीज। कंट्राडिक्टरी किसे कहते हैं दोस्तों, जो एक दूसरे के विरोधाभासी हो। यहाँ पे हमने कलर दे रखा है, ये कलर देख सकते हैं और यहाँ पे ये एरो दे रखे कलर वाली, ये हमें देखना है। देखिए कंट्राडिक्टरी, देखिए कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, तो ये किसके विरोधाभासी होगी, सम बॉल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक बंदा है वो कह रहा कि सारी की सारी बॉल है वो स्ट्रॉन्ग है और दूसरा बंदा कह रहा कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन दोनों की जो बातें वो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का विरोध कर रही है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास सब अल्टर्न। सब अल्टर्न के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ सही है तो दूसरी चीज़ भी सही होगी। अब देखिए इसके अंदर ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि सभी बॉल हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो इससे क्या अर्थ निकल है कि कुछ बॉल है हमारी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आएगा। देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कथन दिया है उसकी प्रकृति, यानी कि उसकी नेचर किस तरह की है, वो यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, या फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर नेगेटिव है। अब देखिए इसमें कहा है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए है जो हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ई है वो हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है, आई जो है हमारा वो पर्टिकुलर पॉजिटिव और ओ जो है हमारा वो
पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो इसके अंदर कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते तो वो ओ हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव। अब देखिए, अब इसमें हमें देखना कि कौन सा जो कथन है वो इसके विपरीत होगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो विपरीत होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने देखा था इसके अंदर जो कंट्राडिक्टरीज जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कंट्राडिक्टरीज के अंदर जो हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव होता है वो विपरीत किसके होता है, यूनिवर्सल जो पॉजिटिव होता है उसके हमारे विपरीत होता है। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई है, आप हमारी पहले की जो सुबह की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। यानी कि अब देखिए, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, वो क्या है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, तो इसका विपरीत क्या होगा, सभी के सभी जो व्यक्ति है वो ईमानदार होते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं दोस्तों। और आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए, हम आगे और भी क्वेश्चन करने वाले हैं तो उनमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि यदि इस कथन को सत्य मान लिया जाए कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एक कथन युग्म को सही माना जा सकता है। अब देखिए, इसमें क्या कहा है इसने, वही बात मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले हमें कथन को समझना चाहिए कि कथन का जो नेचर है वो क्या है। इसने कहा है कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, इसने ये नहीं कहा कि सभी, नहीं कहा सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते, ये बात नहीं कही, इसने कहा है कि अधिकतर। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ये हमारा आई होगा, आई का मतलब है पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी कि अधिकतर विद्यार्थी हमारे आज्ञाकारी होते हैं, ये हो गया आई। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से कथन है वो सही हो सकते हैं। अब चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि सभी आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं, ये बात तो दोस्तों सही नहीं है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे व्यक्ति का जिक्र नहीं किया है ऊपर, तो हम अपनी तरह से कोई भी आंसर नहीं दे सकते, हमें कथन देखना है। अब ऑप्शन नंबर टू, सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। अब देखिए, इसमें ये चीज़ आ तो रही है, देखिए ओ इन्होंने, आई इन्होंने कहा है कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते, तो इससे कुछ संभावना बनती है कि सभी के सभी विद्यार्थी हमारे आज्ञाकारी हो, ये संभावना बनती है, लेकिन हम इसे 100% सही नहीं कह सकते। अगला देखते हैं, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए, इसने कहा है कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ विद्यार्थी जो है आज्ञाकारी होते, ये बिल्कुल इसकी बात सही है। कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते, ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि हमने एक पीछे किया था उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारा ये जो होता है सब कंट्रेरीज जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आई सही है तो ओ भी हमारा सही होगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी सब कंट्रेरीज के अंदर। अगर हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव सही है तो यूनिवर्सल नेगेटिव भी सही होगा, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें सही है, यानी कि कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी है तो कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होंगे, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा सी, आएगा 4 और 3, यानी कि ये आएगा कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते और कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है। अब देखिए, एक दूसरे का निषेध मतलब यानी कि एक दूसरे का विरोध करती है तो उसे हम किस तरह की शब्दावली कहेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी दोस्तों। कंट्राडिक्टरीज होते हैं और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कंट्राडिक्टरीज के अंदर मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था कि एक शब्दावली दूसरे का विरोध करती है। कंट्रा था दोस्तों कि जो कंट्राडिक्टरीज जो होती है वो ए ओ का विरोध करती है और ई आई का विरोध करती है, और इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है आगे क्वेश्चन नंबर 17, ये हमने शायद कर लिया, हाँ ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है, इसके अंदर सितंबर 2013 के अंदर आया था, यदि दो प्रतिशतियों में से दोनों एक दूसरे एक साथ गलत नहीं हो सकती
परंतु दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, उन दोनों के बीच का संबंध क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये बात मैंने आपको अभी बताई कि दो ऐसे कथन जो सही हो सकते एक साथ लेकिन गलत नहीं हो सकते, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सब कंट्रेरी कहेंगे। अब देखिए इसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हमने किया कहा था कि सम बोल आर स्ट्रोंग, तो इसका मतलब क्या होता है, सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग, तो ये क्या होगा, हमारा सब कंट्रेरीज होगा इसका आंसर। यानी कि ऐसे कथन जो दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते, दोनों सही हो सकते, उसे हम क्या कहेंगे, सब कंट्रेरीज कहेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा बी आंसर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर आई और ओ की जो बात चल रही थी, यानी कि कुछ व्यक्ति ईमानदार है कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है, इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो क्वेश्चन है हमारे हो रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जुलाई 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। यदि यह कथन कि सभी चोर गरीब होते हैं गलत है, वही बात मैं कह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले हमें कथन को समझना चाहिए कि कथन क्या कह रहा है। अब देखिए इसने कहा है कि सभी चोर गरीब होते हैं, ये बात गलत है। अब देखिए सबसे पहले ये ड्रॉ कीजिए, सभी चोर गरीब होते, ये हमने ए मान लिया, सभी चोर गरीब होते, ये बात ये कह रहा कि ये गलत है, ये बात क्या है, गलत है, सभी चोर गरीब होते ये बात गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा वो हमें बताना है इसमें। अब देखिए ये गलत है तो इसके विपरीत क्या होगा, सही क्या होगा वो बताइए। वो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव अगर गलत हो तो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर नेगेटिव हमारा सही होगा, यानी कि ओ जो है हमारा वो सही होगा। ओ में क्या आता है, वो आता कि कुछ चोर गरीब नहीं होते। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए दोबारा फिर अपने चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। अब देखिए इसके अंदर कंट्रेरीज के अंदर क्या होता है, ऑल बॉल आर स्ट्रोंग, तो इसके जो विपरीत होता है वो क्या होता है दोस्तों, सम बॉल आर नॉट स्ट्रोंग, ये होता है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताना, और कोई बात समझ में ना आए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों यहाँ पर ये दिया, यहाँ पर भी आप हमें सवाल जवाब कर सकते हैं और हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है अगस्त 2016 में आया था। यदि दो अभिकथन इस प्रकार संबंध हो कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते हालांकि वे दोनों सही हो सकते हैं, तो उनके संबंध को क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने अभी किया है और ये क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये देखते कि ये देखो इसने क्या कहा है, वे दोनों गलत नहीं हो सकते और वे सही हो सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, गलत नहीं हो सकते, दोनों के दोनों सही हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो वो होता है दोस्तों हमारा सब कंट्रेरी होता है, और यही क्वेश्चन हमने अभी किया था, पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये सितंबर 2013 में आया था कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते परंतु दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव जो है वो दोनों के दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा सब कंट्रेरी आएगा, और यही क्वेश्चन हमारा दोबारा फिर रिपीट हुआ था यहाँ पे। ये देखिए ये अगस्त 2016 के अंदर दोबारा फिर आ गया कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब कंट्रेरी कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, हो सकता है अब की बार फिर आ जाए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आप जो है इंग्लिश में याद रखना इन सभी चीज़ों को, क्योंकि हिंदी में आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करने वाले वर्ड दिए जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप ये कहेंगे कि सर आपने तो हमें ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो ज़रूरी है हमारे लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होना, और मोस्ट ज़रूरी तो हमें इंग्लिश में पता होना ज़रूरी है। और आगे देखते दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 ये अगस्त 2016 में आया है। यदि समान उद्देश्य तथा विधेयक के दो समान निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंध है कि अगर एक अनिर्धारित रहता तो दूसरा भी अनिर्धारित होगा, उनका संबंध क्या कहलाता है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको करवाया था, मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब ये देखिए दोस्तों, हमने सुबह की थी कंट्राडिक्टरीज क्या होता है, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर एक अनडिटरमाइन रहता यानी कि एक का रिजल्ट नहीं निकलता तो दूसरे का भी हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। यानी कि कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल जो पॉजिटिव होता है वो विपरीत होता है हमारे पर्टिकुलर नेगेटिव के। अगर हमें ये पता नहीं चले कि यूनिवर्सल पॉजिटिव है या नहीं है, अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव के बारे में पता नहीं चले तो हम पर्टिकुलर नेगेटिव के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि अगर हमें ए ना पता हो तो हम ओ के बारे में भी पता नहीं कर सकते। यही हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो कंट्राडिक्टरीज आएगा। ये जो चार्ट है दोस्तों, ये अच्छे से देख लेना सुबह। अब देखिए दोस्तों, यही बात इसमें कही गई है कि एक अगर अनिर्धारित रहता तो दूसरा भी अनिर्धारित रहेगा, तो उस समय हमारा उन दोनों में क्या संबंध होगा, तो वो दोनों क्या होंगे दोस्तों, वो होंगे हमारे कंट्राडिक्टरीज होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा दिसंबर 2018 के अंदर आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य हो सकता है। अब ये देखिए, इसने कहा है कि सभी जानवर जंगली हैं। अब इसका नेचर क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी कि सभी जानवर जंगली है। और इसका जो इससे रिलेटेड क्या होगा, इससे रिलेटेड इससे नीचे होता है दोस्तों कि कोई भी गैर जानवर जंगली नहीं है। ये एक बार साइड में छोड़ देते, देखते हैं इस पर। कुछ जानवर जंगली नहीं होते, ये भी हम देखते हैं कि कुछ जानवर जंगली नहीं होते। ये तो दोस्तों ये वो आ गई विपरीत वाली बात आ गई, यानी कि ये पर्टिकुलर नेगेटिव वाली बात आ गई, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, कोई भी जानवर जंगली नहीं होता, ये आ गई दोस्तों हमारी ई बात आ गई, यूनिवर्सल नेगेटिव की बात आ गई। और यूनिवर्सल नेगेटिव ये भी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, ए और ई दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। कुछ जानवर जंगली है, अब ये इसकी बात सही है दोस्तों। अब ये कह रहा कि सभी जानवर जंगली है, तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि कुछ जानवर जंगली है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि कोई कुत्ता चुपाया नहीं है। सबसे पहले हमें इसके नेचर को समझना ज़रूरी है दोस्तों। अब ये कह रहा कि कोई कुत्ता चुपाया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, कोई कुत्ता चुपाया नहीं है, ई है ये। अब ये कह रहा कि यह गलत है, इसे चलिए हम गलत मान लेते हैं, ये चीज़ गलत है भाई इसकी। तो निश्चित सत्य होने का दावा किया जा सकता, तो सत्य क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव गलत हो, तो सत्य क्या होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, ई के अपोजिट में क्या होता है दोस्तों। मैंने बताया था ई के अपोजिट में होता है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी कि आई होता है। चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों, कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या होता है कि ई अगर गलत है तो आई हमारा सही होगा। ये आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, एक सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा। अब दूसरा दो नंबर पे पढ़िए, अगर एक गलत है यानी ई गलत है तो दूसरा सही हो गया, यानी कि आई इसमें सही होगा। तो यहीं से हमें समझना है दोस्तों, यहीं से हमारा क्वेश्चन सही होगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने समझा कि अगर हमारा ई गलत हो तो सही क्या होगा, हमारा आई सही होगा, यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें सही होती है। तो इनमें देखते हैं दोस्तों, जो हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है वो कौन सा पॉइंट है। अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कुछ कुत्ते चुपाया है। तो दोस्तों हमें ये देखिए, ये सबसे पहले ये बात मिल गई कि कुछ कुत्ते चुपाया है, मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव हमें मिल गया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, कुछ कुत्ते चुपाया है, यानी कि कुछ कुत्ते ऐसे जिनके चार टांगे होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सअप के जरिए अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। और अगर आप चाहे तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, उसमें हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करवाते हैं, 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं और ओल्ड पेपर। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उस पर हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।